पिछले कुछ सालों में आपने पत्ता गोभी को लेकर काफ़ी खबरें सुनी होंगी, जिसमें कहा जाता है कि पत्ता गोभी अगर खाएंगे तो दिमाग में कोई दिक्कत हो सकती है, दिमाग में मस्तिष्क को हमारे नुकसान पहुंच सकता है। इस बार भी जब लल्लन टॉप की टीमें देश भर के अलग अलग इलाकों में चुनावी कवरेज के लिए पहुंची, तो हमने वहां पर फेसबुक के साथ मिलकर वर्कशॉप की। इन वर्कशॉप में हमें ऐसी ही फेक न्यूज़ वापस सुनने को मिली जैसा कि पहले आपको सुनने को मिलती रही है पत्ता गोभी के बारे में। इस बार दिल्ली में हमारे रिपोर्टर नीरज ने एक वर्कशॉप की थी, वहाँ वर्कशॉप अटेंड कर रहे मयंक गुप्ता को एक खबर पर शक था। वो उस दावे की सच्चाई जानना चाहते हैं जिसमें कहा जा रहा है कि अगर कि पत्ता गोभी के अंदर कुछ ऐसे कीड़े हैं जिन्हें आप अगर काटते हो तो वो कटते नहीं हैं, जलाते हो तो वो जलते नहीं हैं, जितना काटोगे उतने वो बढ़ते जाते हैं। कुछ इस तरह के दावे पत्ता गोभी के अंदर पाए जाने वाले किसी कीड़े के बारे में किए जा रहे हैं और उसके सपोर्ट में एक एविडेंस के तौर पर रखा जा रहा है, सबूत के तौर पर दिखाया जा रहा है एक वीडियो। सबसे पहले हम मयंक की बात सुनते हैं। मेरा नाम मयंक गुप्ता है। मेरे फैमिली ग्रुप पे एक व्हाट्सएप पापा ने ही शेयर किया है। वो बताते हैं कि एक कीड़ा पाया गया है नागपुर में, महाराष्ट्र के पास। वो पत्ता गोभी में शायद एक कोई कीड़ा पाया गया, बता रहे हैं कि काटते हैं तो बढ़ता है, उबालने पर भी नहीं मरता है। तो ये वीडियो मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पर। मेरे को समझ में नहीं आया कि इसको क्रॉस चेक कैसे किया जाए, तो मैं वही दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ पे इस वीडियो में शायद देख सकते हैं कि ये शायद इसको काटने की भी पता नहीं कोशिश करते हैं, नहीं करते हैं। थोड़ा सा शायद हम इसे धागे जैसा कुछ देख पा रहे हैं, लंबे धागे जैसा हिलता हुआ। अब पता नहीं ये सच है, झूठ है, क्या है। हो सकता है पाया गया हो, पर मतलब इसकी वजह से मम्मी पापा हिदायत देते हैं कि बाहर कहीं मोमोज मत खाना, ये मत खाना, पकौड़े वकौड़े मत खाना। हमारे मतलब हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर देते हैं वो लोग। मैं चाहता हूँ इसकी लल्लन टॉप पड़ताल करें। जी, मैं ये चाहता हूँ कि इसकी लल्लन टॉप पड़ताल करें। पहले दावा जान लेते हैं। दावा दो तीन तरह से किया जा रहा है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा जा रहा है, महाराष्ट्र नागपुर में पत्ता गोभी के अंदर पाए जाने वाले कीड़े की पहचान हुई है। वाकई में बहुत खतरनाक है ये कीड़ा, क्योंकि इसके जितने टुकड़े करेंगे वो मरेगा नहीं, बल्कि उसकी गिनती उतनी ही बढ़ती जाएगी जितनी हमने उसके टुकड़े किए हैं, और इसी कारण ये सब्जी पकाने के बावजूद भी जिंदा रह जाता है। अतः आपसे निवेदन है कि इसके बारे में सबको अवगत करवाएं। और यहाँ पर ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो इसकी सपोर्ट में दिखाया जा रहा है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि गोभी का कीड़ा जो कभी नहीं मरता, प्लीज़ चौमिन मोमोज जैसे फास्ट फूड से दूर रहें जिनमें बंद गोभी डाली जाती है, जिनमें कैबेज डाली जाती है, उन आप फास्ट फूड से दूर रहें। इस वीडियो को सबको भेजो, और एक ने भी छोड़ दिया तो वीडियो बनाने वाले का मिशन सार्थक नहीं हो पाएगा। तो ये वीडियो जो आपको दिखाया, इस वीडियो के बारे में इस तरीके के भी कुछ कैप्शन इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ऐसा ही शक मयंक गुप्ता को भी था। हमने इस दावे की पड़ताल की। पड़ताल के अंदर हमें दो चीज़ें सामने निकल कर आईं, एक था थ्रेडवर्म और दूसरा टेपवर्म। कई दावे किए जा रहे हैं कि ये थ्रेडवर्म है, बताने वाले बताते हैं कि ये थ्रेडवर्म है, और दूसरे बता रहे हैं कि टेपवर्म भी हो सकता है। हम इन दोनों के बारे में आपको बताएंगे। पहले जानकारी हम थ्रेडवर्म के बारे में। थ्रेड मतलब एक धागा, धागे की तरह दिखने वाला एक कीड़ा है, उसे थ्रेडवर्म बोला जाता है। इनका साइज़ भी तकरीबन 1.5 इंच के आसपास से लेकर उससे कई बड़ा होता है। तकरीबन 4-5 हज़ार तरह की इनकी प्रजातियाँ इनकी पाई जाती हैं। एक बड़ी क्लासिफिकेशन है, ब्रॉडर क्लासिफिकेशन में मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद इसके दरअसल जो ये थ्रेडवर्म होते हैं, ये परजीवी होते हैं, पैरासाइट होते हैं, यानी आपके शरीर के अंदर जाएंगे और आपके शरीर से न्यूट्रिशन लेकर अपनी ग्रोथ करेंगे। आपके शरीर से न्यूट्रिशन लेंगे, खून चूसेंगे या जो कुछ भी, वो उससे लेकर अपने फिर अंडे बाद में देते हैं, और यही अंडे बढ़ते जाते हैं। तो जो दावा किया जाता है जितना काटोगे या कुछ करोगे और ये बढ़ता जाएगा, उसकी सच्चाई ये है कि ये अंडे अपने देते हैं और इनके अंडे फर्दर ग्रोथ करते हैं। और अगर ये हमारे जो शरीर के अंदर ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, दिमाग के जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, अगर उसको ये पार कर जाते हैं तो दिमाग में सिस्ट बना सकते हैं, गांठ बना सकते हैं, जिसकी वजह से कई दिक्कतें हो सकती हैं। जो स्ट्रेस है हमारे दिमाग के ऊपर, मस्तिष्क में जो स्ट्रेस है वो बढ़ सकता है, और उससे बड़ी भयानक बीमारियां भी हो सकती हैं। इसके बाद जब एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो पत्ता गोभी है उसके अंदर ऐसी प्रॉब्लम क्यों होती है। पत्ता गोभी की अगर सिंचाई
किसी गंदे नाले के पास हो रही है या कहीं ख़राब पानी उसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है, तो ये चीज़ें होने की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि इससे इसका दिमाग पर असर पड़ेगा और आप बहुत बीमार हो जाएंगे, इसकी संभावना बहुत कम है। जानकार बताते हैं कि ऐसा कम होता है, और अगर होता भी है तो वहाँ पर होता है जो खासे प्रदूषित इलाके हैं और जहाँ पर सब्जियों के अंदर प्रदूषण ज़्यादा है। इसके अलावा जो दूसरी बात बताई जाती है BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जो एम्स के कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट में डॉक्टर सूर्यबाली हैं, उन्होंने बताया कि जो पत्ता गोभी में कीड़ा पाया जाता है उसे टेपवर्म टाइप का भी, मतलब टेपवर्म भी एक किस्म है, थ्रेडवर्म भी है, तो जो टेपवर्म के बारे में अब आपको मैं बता रहा हूँ। तो डॉक्टर सूर्यबाली का कहना है कि पत्ता गोभी में टेपवर्म नाम का कीड़ा भी पाया जाता है, क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक है, बहुत ही छोटा है, तो हम इसे सामने से, मतलब अपनी नंगी आंखों से आप उसे नहीं देख पाएंगे। ये टेपवर्म भी परजीवी है, ये पोषण के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर करता है, और इसके जो दूसरों का शरीर है उसके अंदर ही ये ग्रोथ करता है, ये उसका एक चित्र है, इसमें आप देख सकते हैं, ये एक रिबन की तरह दिखता है, तो रिबन की तरह दिखने की वजह से इसे टेपवर्म भी बोला जाता है, एक टेप की तरह ये दिखता है हमें। इसके अलावा जो टेपवर्म है, अगर ये शरीर के अंदर पहुंच जाता है तो ये भी दिक्कत कर सकता है। दिल्ली में सर गंगाराम अस्पताल में गैस्ट्रोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर नरेश बंसल, उनका कहना है कि टेपवर्म जानलेवा नहीं है, लेकिन अगर किसी भी अंग में जाता है या किसी शरीर के किसी भी हिस्से में ये पहुंच जाता है तो वो हिस्सा लकवा ग्रस्त हो सकता है। अब बड़ा सवाल है कि टेपवर्म फैलता कैसे है। कोई भी चीज़ है, कोई भी कीटाणु है, कोई जीव है, उसके फैलने के कुछ मोटे मोटे रीज़न हैं, या तो वो पानी के रास्ते आपके शरीर में जाएगा, या खाने के रास्ते जाएगा, या फिर किसी संक्रमित आदमी को आप छुएंगे, तो उस तरीके से। टेपवर्म के अंदर क्या सिचुएशन है, अगर आप गंदी मिट्टी, अगर आप अधपका खाना खा रहे हैं, मान लीजिए अगर मांस मीट कंज्यूम करने वाले हैं, तो आप अगर अधपका या फिर कच्चा मांस आप कंज्यूम कर रहे हैं तो वहाँ पे ये दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा आप हरी सब्जियाँ या पत्तेदार सब्जियाँ जितनी हैं अगर उनको आप खा रहे हैं और वो अच्छे से पकाई नहीं गई हैं, तब भी ये दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है। सो इसके अलावा अगर आप खराब पानी, जो आपके इलाके का पानी है वो दूषित है किसी तरीके से, तो उससे भी टेपवर्म आपके शरीर में पहुँच सकता है। इसलिए अक्सर कहा जाता है कि जो सब्जियां हैं उसे अच्छे से धो लेना चाहिए ताकि ये टेपवर्म निकल जाए, और धोने के बाद अच्छे से पकाना भी चाहिए ताकि अगर उनके कहीं पर अंडे हैं जिनकी कवरिंग बड़ी सख्त होती है तो वो टूट जाएं, वो ख़त्म हो जाएं। अगर वो अंडे आपके शरीर में चले जाते हैं तो अंदर जाके हैच करेंगे, यानी वहाँ पर ग्रोथ करेंगे, और फाइनली टेपवर्म आपकी बॉडी के अंदर ग्रोथ करेगा और वो आपको फर्दर लंबे समय के अंदर नुकसान पहुँचा सकता है। तो अगर ये कहीं खून के रास्ते आपके दिमाग तक पहुँच जाए तो ये दिमाग को भी खासा नुकसान कर सकता है। तो कुल मिलाकर लल्लन टॉप की पड़ताल में ये दावा ठीक निकला, हालांकि जो इसकी इसका दावा है, दावे के जो शब्द लिखे गए हैं, जिस तरीके से इस दावे को प्रचारित किया जा रहा है वो थोड़ा भ्रामक है, वो थोड़ा गड़बड़ है, लेकिन ये बात सच है कि हाँ, जो बंद गोभी होती है, जो कैबेज है, उससे दिक्कत हो सकती है, इसके चांसेस कम हैं लेकिन हैं। सो आप जब भी कभी भी बंद गोभी घर पे बना रहे हों या कहीं बाहर कंज्यूम कर रहे हों तो ये श्योर करें कि वो अच्छे से पकाई गई है, अच्छे से धुली है, ताकि आपके बॉडी में थ्रेडवर्म या टेपवर्म ना जाएं और आप बीमार ना पड़ें। अगर आपको इसके अलावा भी किसी और खबर पर कोई शक है और आप किसी और चीज़ की जानकारी चाहते हैं, पड़ताल चाहते हैं, तो आप हमें लिख सकते हैं। हमारा पता है पड़ताल mail@gmail.com। मेरा नाम रजत है और कैमरे के पीछे है विनीत। शुक्रिया।